तुम लोग भी करना चाह रहे हो तो भैया इन चीजों का तो ध्यान रखना। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात है सेविंग करके रखना, क्योंकि जॉब का तो कोई भरोसा नहीं है। ये है कि लव मैरिज है, लव मैरिज में क्या होता है ना कि यार मतलब जो लड़की होती है ना, देखो मैं ये फर्स्ट मेरा ओपिनियन है, मतलब मेरा मानना है कई बार लड़ाई झगड़े की हम दोनों लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, हमारे बहुत से हो जाते हैं, महीने दो महीने में हमारे हो जाते हैं और वापस हम एक दिन में बोल भी जाते हैं। अच्छा, जो शक करने वाली बात होती है ये कभी भी मतलब पूरी नहीं होगी लड़ाई, ये तो जिंदगी भर चलेगी। अगर तुम्हारा भैया ऐसा नहीं तो डिस्कस कर लेना या करना ही। मैं एक चीज बताऊं, आपके बहुत सारों के घर टूटने वाले हैं अगर अभी तुम लोगों ने शादी नहीं की और लव मैरिज की सोच रहे हो ना। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आर एस जाना ब्लॉग में। और जैसे कि आपको टाइटल देके बताया हमने कि अगर आपको लव मैरिज करनी है तो आपको ये बातें जाननी बहुत जरूरी है, तो आज हम डिस्कस करेंगे उन बातों के बारे में। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, आपको दिखाते हैं हम डिस्कस करेंगे हमारी जो डेली लाइफ स्टाइल है ना। हाँ, जैसे हमने लव मैरिज की है तो हम हमने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, तो वो आपको हम बताएंगे। तो देखो ब्लॉग के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, तुम बता रहा पड़ता है आपको पता है। मैं कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती ऐसे वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं तो बहुत बहुत सारे जो लव मैरिज कटिंग थी अपनी वीडियो देख के आपको पता है कि लड़के अच्छे थे, लड़के अच्छे करती, लड़कों को सोच समझ के चूज करना तुम लोग। हां एक तो अपनी वीडियो देख लेते हैं, तो उससे आपको पता है ना मैं करती हूं कि अपनी वीडियो देखे कोई लो मैरिज करना चाह रहा वो करे ही नहीं, एक दो उनका घर बिगड़ जाए। वो सारे भाई है जो मतलब लो मैरिज ले यार पागल ही गया यार, एक तो ऐसे करती है, ऐसे मत कर भी ना, बहुत सारे जो करना चाह रहे हैं वो भी नहीं करेंगे फिर ऐसे देखे उन्हें वीडियो। क्या वीडियो देखी है, नहीं लो मेरी तो पूरा बोलो। हाँ तो क्या क्या बातें कर रहे थे अपन। हाँ लव मैरिज हमारी जो डेली लाइफ स्टाइल है ना वो हम बताना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बातें जो बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई है बहुत बहन है जो मतलब आपस में, क्योंकि 100% हो गया आजकल है ना रिलेशनशिप में, तो मतलब बहुत सारे रहते हैं क्योंकि 100 में से कोई 2% ही मान लो जो नहीं रहते होंगे, और सब मतलब 98% मतलब प्यार में पड़ती है पड़ते ना है ना, और उनमें से 40% लव मैरिज करते ही है, और जिनमें से 10% की सक्सेसफुल होती है, फिर 10% में से भी 5% की शादी के बाद सक्सेसफुल होती है। तो हमारी फाइनल शादी 3 साल हो चुके हैं। ये देखो देखा कितनी अच्छी लाइफ हम दोनों की, देखा ऐसे हुए हमारे 3 साल पूरे सक्सेस। अभी मेरे गांव की लेडी से बोलेंगे हमारे परिवार की क्या बीबी की चलती है, बीबी की चलती है। तो यार बहुत सारे टिप्स देना चाहते हैं, क्या टिप्स है अगर मतलब लव मैरिज को मतलब लव मैरिज करने के बाद मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आती है यार। चलो हम हमारे बता देते हैं ठीक है भैया। अगर शादी करो ना तुम लोग पता है सेविंग कर लेना, सेविंग कर लेना, देख लो इसको पता है, इसको हर चीज पता है, और वो तो सब पता नहीं होगा बिकॉज़ मेरी भी लमेज है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना कम से कम 50-60 हज़ार रुपए तो आप सेविंग करके रखना बस। अगर जो हाँ मिनिमम कम से कम कह रहा हूँ मैं कम से कम, और अगर जो निकी ना तो फिर भैया तुम्हारी तो वाट लगेगी और इतने बुरे तरीके से लगेगी ना, जो हाल लगेगी मेरे से नहीं होती रुक जाएगी जैसे हमारी लगी ठीक है ना, मेरी तो बहुत बुरे तरीके से वाट लगी थी, जैसे मैंने लव मैरिज की थी ना मेरे पास कुछ भी थी 3,000 रुपए थे ओनली, 3,000 रुपए लेके लव मैरिज की, अचानक से एकदम से याद पता है ब्लॉग शूट करते थे हाथ ही दर्द करने लगे। हाँ अब तू बोलना मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तो कोई पता है 3,000 रुपए थे मेरे पास है ना, कि मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं आपको बता दूँ ना कि हमने शादी की थी ना, तो मतलब तेरे को भी पता है मोटी की कि अभी था 2023 में हमारा कन्फर्म था शादी करने का कि 2023 में करेंगे, पर कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई इसके घर पे लेके, और इसकी मतलब बहुत सारी इसकी प्रॉब्लमें आ गई इसके घर पे, इसलिए फिर हमने उसी टाइम पे 2020 में शादी करनी पड़ी। उस टाइम मेरे पास पैसा वैसा कुछ ही नहीं था, मैं जॉब करता था, वहाँ से मेरी 3 महीने से सैलरी नहीं आई हुई थी, अटकी हुई थी, और अभी तक भी नहीं आई वो सैलरी, तो मैंने किसी से 3,000 रुपये उधार लेके और फिर हम गए थे, और उसके बाद तो हमने बहुत इतनी सारी मतलब बना क्या बताऊँ आप लोगों को यार, मतलब इसी को पता है ना, या तो इसको पता है या फिर मेरे को पता है कि हमने कितनी परेशानियां झेली। तो गाइस मैं क्या बोलता हूं, इसे पूछता हूं नहीं, इसको बताता हूं, इधर पे इतना कैमरा सब कुछ खुद ही बोल दिया यार, वो मेरी आदत है ना, इसलिए अब तू मैं चुप नहीं रहता, कुछ बोल रहा हूं तो गाइस ये खुद कह रहे ब्लॉग पे आज लाइव देख लो, ये प्रूफ है मेरे पास जितना जाकर सब। हां ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेकंड ये है
या जो अपनी पार्टनर है ना उसको अच्छे से समझाना, और वो आपको पता होगा कि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा आपके पार्टनर को कि भैया ये इसको तो मैं अच्छे से जानता था, क्योंकि मेरा इतना बुरा टाइम था, इतना बुरा वक्त था ना, तब भी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, साथ दिया, क्योंकि हम ही जानते ये कभी जो कि लव स्टोरी पार्ट थर्ड आएगा उसमें बताएंगे, हमने बहुत सारी चाय की दुकानें भी लगाई मैंने, तब भी इसने मेरा साथ दिया, और हमारे पास कुछ भी नहीं रहता था, मतलब खाने के लिए भी है ना, कूलर नहीं था, आ तो कूलर भी है, फ्रिज भी है, सब है, पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, गर्मी के दिनों में टॉवल जो है ना, ये टॉवल इनको गीला करके ओढ़ के से सोते थे, इतने बुरे दिनों में भी इसने मेरा साथ दिया। और उस टाइम पे क्या है, एक तो जॉब करेगा ही, तो कोरोना लग गया था, कोरोना का मतलब सेकेंड लॉकडाउन लगा था, तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ गई थी, तो ये सब चीज़ है। और सबसे मेन पार्ट तो मैं बताऊँ तो आप लोगों को, तो आपको बताना चाहिए आपका पार्टनर कैसा है, आपका दुख में सुख में साथ देने वाला है कि नहीं है, आपको ऑनेस्टली प्यार करता है, इसने तो मेरा सुख दुख में साथ दिया था, मतलब हर चीज़ में, मेरा आज भी है ना, मतलब साथ लेके चल रही है, साथ निभा के चल रही है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना भैया, पैसों की तो सेविंग कर लेना अगर शादी कर रहे हो तो, ना ये तो होनी चाहिए। दूसरी क्या है, दोनों एक दूसरे को समझने वाले होने चाहिए, यूँ नहीं है कि मतलब प्यार में जज्बातों में आके है ना, मतलब हो सावा। तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि दोनों की तरफ से ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी दोनों की तरफ से होनी चाहिए, दोनों की तरफ से, कोई दोनों में से धोखा नहीं दे और कोई बेईमानी नहीं करे, तो ये तो बहुत ना है, अगर इसमें थोड़ी बहुत कितना पैसा हो, कितना सब कुछ हो, लेकिन फिर वो लव मैच किसी काम की, थोड़ी बहुत लापरवाही की या फिर एक दूसरे का विश्वास तोड़ा ना, तो भैया लव जो सॉरी जो लव मैरिज रिश्ता है ना, सबसे नाजुक रिश्ता है, ऐसे टूटता है, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे लव मैरिज के बाद भी है ना, इधर मुंह मार रहे उधर मुंह मार रहे होते, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर तो बस पार्ट लग गई। तो अगर अगर हाँ अगर तुम लोग लव मैरिज करने की सोच रहे हो तो पहले से, लव मैरिज करने की सोच रहे हो पहले से ये चीजें तो आना दोनों तरफ से कन्फर्म कर लेना कि ऐसा नहीं हो, जो भी है तुम्हारा शादी से पहले पहले होगा जो भी है, पर शादी के बाद ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। और क्या है, हाँ हर चीजों में दोनों को ऑनेस्ट होना चाहिए। और तीसरी हाँ, और तीसरी बात तो सबसे इम्पोर्टेंट ही है, फोर्थ मेरे को भी ज्यादा, मैं भूल जाता हूँ बोलते बोलते, मैं ज्यादा बोलता हूँ यार, है ना, एक चीज और है कि है ना, यू कहते हैं मतलब सबको डर सा बैठा हुआ है सभी को कि यार लव मैरिज में है ना लड़ाइयाँ ज्यादा होती है, तो लड़ाई होती होगी तो क्या होता होगा, हमारी लड़ाई होती है और 100% मजा की बात है, रियलिटी में भी होती है, रियलिटी में क्यों छुपाएंगे नहीं, हम झूठ नहीं बोलते, और वैसे भी लड़ाई होती है, हमारी लड़ाई होती है ना, क्या नाम मेरे को बैलेंस से मारती है, तो गाइस है ना सभी की लड़ाई होती है कपल के, चाहे अरेंज हो चाहे लव मैरिज हो, कोई भी कपल ऐसा नहीं है दुनिया में इनकी लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता किसी बात को लेकर, सभी लड़ते हैं आपस में, सबके होता है और हमारे भी होती है, क्योंकि बार बार ये बोलेंगे होती है, हाँ मैं आपको बता दूं, वैसे भी जो कहते हैं ना यूनियो ऐसा नहीं है कि एक महीने में तीन तीन चार चार बार, हाँ महीने दो महीने में हो जाती है, महीने दो महीने तीन महीने में सबके होती है, हमने एक चीज अरेंज मैरिज में भी होती है उतनी होती है, पर यू है कि लव मैरिज है ना यार, इसमें कोई समझाने वाला नहीं होता, क्योंकि जो है ना अपन है ना, ही मींस कि लव मैरिज में अपने ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, अपने आप के ऊपर, कपल्स को लड़की को लड़की के ऊपर, लड़के को लड़की के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, और अरेंज मैरिज में वो लोग अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लव मैरिज एक दूसरे को समझ के चलनी पड़ती है बातें, अगर झगड़ा करे तो खुद यहाँ पर मना लो, सॉल्व कर लो, यूनियन नहीं तूने ऐसा क्यों बोला, नहीं तू ऐसा नहीं बोल सकती, नहीं मैं लड़का हूँ, भैया दोनों को समान रहना पड़ता है और दोनों को एक दूसरे की बात मान के चलनी पड़ती है। हाँ तो आप लोगों को बता दो, अभी है ना मेरे को थोड़ी देर अभी जस्ट मेरे को मैंने बोल दिया, मेरे को याद है ऐसा मत, ऐसा नहीं है बेलन वेलन से बाढ़ रही, हम मजाक ही करते हैं, और मजाक में तो देते मैं इसके ऐसे देते रहता हूँ, ये मेरे कभी रोटी बना रही है देख, ये देखो इसके हाथ ज्यादा देते रोटी बना रही हो तो मेरे बेलन की देगी, और हाँ मैं एक चीज़ मेरे परिवार की लेडीज है और गाँव की जो औरतें है ना उनके लिए बता दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे तो कहते हैं ना ये मतलब बीवी की चलती है, भैया तुम भी चलाओ यार, तुम्हारे इसमें बहुत सारी चीज़ें तो अभी फिलहाल दो ना, मतलब लव मैरिज को जो बातें चलती है, और तो क्या है और हाँ यही है, अगर तुम लोग भी करना चाह रहे हो तो भैया इन चीज़ों का तो ध्यान रखना, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात है सेविंग करके रखना, क्योंकि जॉब का तो कोई भरोसा नहीं है ना, मैं भी जॉब के लिए दर दर भटका हूँ, और उस टाइम में मेरे इतना मतलब मेरी किस्मत इतनी खराब थी ना कि लॉकडाउन लग गया कोरोना का, दूसरी बात और यार सही की थी बट वो टाइम पे आ नहीं पाई कोई, हां वो तो अभी तक भी नहीं आई, हां तो सेकंड थिंग वही थी कि दोनों की तरफ से ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदारी, कोई एक दूसरे को धोखा मत दो, अगर लव मैरिज करनी जिंदगी भर का सफर है ये, जिंदगी भर साथ रहना है हमारा, यही है दोनों का, और फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात है ना हमारी ये है
कि लव मैरिज है, लव मैरिज में क्या होता है ना कि यार मतलब जो लड़की होती है ना, देखो मैं ये फर्स्ट मेरा ओपिनियन है, मतलब मेरा मानना है अगर कोई लेडीज अगर अपने घर वालों को छोड़ के अपने लिए छोड़ के आ रही है ना, तो अपना मतलब वो हक और जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए थोड़ा बहुत अपन को मतलब वो कैसे रहना चाह रही है, ठीक है ना। क्योंकि मतलब यूँ नहीं है कि वो मतलब आई है 18-19-20 साल की उम्र है उसमें अपन औरतों वाली वो जिम्मेदारी नहीं, तू तो ऐसे रहे ऐसे घूंघट ले ऐसे कर ये काम कर वो कर, तूने मेरे मतलब वो घर का काम क्यों नहीं किया, क्या ऐसी चीज़ें अपन इतनी उम्मीद नहीं कर सकते। धीरे धीरे हर चीज़ें सीखी होती मतलब सिखाई जाती है और सीखनी पड़ती। तो हमने तो इसके ऊपर आज तक ऐसा कोई दबाव नहीं डाला और मैंने भी नहीं डाला है ना, क्योंकि इसकी मर्जी से जैसे रहिए ना वैसे रहिए। और एक चीज़ बताऊँ, ये जो होता है ना कि लेडीज घूंघट ले रही है या कैसे ले रही है, अपनी आज़ादी से ले रही है या बड़े हंस खेल के ले रही है ससुराल में, तो ये क्या लेडीज़ के गुण जो होते हैं ना गुण है ना उस पर निर्भर करता है कि वो ना मतलब सामने वाले से कितना अच्छे से ले रही है, कैसे मतलब एडजस्ट कर रही है। भैया इसमें हम मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया है, तो मैं अभी भी ऐसे रहती है मतलब इसको इसी से पूछ लो, इसको लगता भी नहीं है कि ये ससुराल में रहती है, यही बताइए बाकी आगे की बात है। नहीं तो गाइस हमने पहले बताया रखा है मैं लश्करी की वैलेंटी में ससुराल में कैसे रहती हूँ, क्या है क्या नहीं, आप लोगों को सब पता है, ब्लॉग में देखते रहते हो कि मैं ससुराल में जाती हूँ तो कैसा लगता है, जैसे मैं ससुराल में हूँ या पियर में हूँ, कोई बोलता ही नहीं और सब मुझसे मजाक करके ऐसे बोलते हैं तुम्हारे घर पे पता नहीं अलग नियम चलते हो, घूंघट लो या तो घूंघट लो या चलते तो हमारी भी ऐसा नहीं कि हमारे नहीं चलते, मेरे पापा है ना पढ़े लिखे नहीं है मतलब गाँव के है ना बिल्कुल, हाँ बहुत सारी चीजें मतलब हमारे गाँव घर परिवार में जैसे अभी ये रहती है वैसे कोई नहीं रहती, बट यार एक होता है ना समझदारी का इनका भैया बहू यार मतलब कोई आ रही है तुम्हारे उसको बहू क्यों मान रहे हो यार, बहू अपनी बेटी मान के चलो ना, अपने आप बात सोल हो रही है वो भी कुछ तुम भी कुछ सब कुछ। तो ऐसी पर क्या है अधिकतर जो लोग हैं उनकी मानसिकता चेंज है ऐसा होता नहीं है। तो भैया हमारा तो है ना देखो जो 3 साल है ना बहुत अच्छे निकले, और रही बात लड़ाई झगड़े की हम दोनों लड़ जाते हैं झगड़ जाते हैं हमारे बहुत से हो जाते हैं महीने 2 महीने में हमारे हो जाते हैं और वापस हम एक दिन में बोल भी जाते हैं अच्छे से झगड़ लेते हैं, मैं दे भी लेता हूँ कभी कभार और वापस बोल भी आते हैं हम मतलब इतना लेके नहीं चलते किसी भी चीज को, ये तो फिर भी ले लेती एक दो दिन तक तो लेके बैठ जाती, मैं तो नहीं लेके बैठता मैं तो कैमरा और है ना अभी अपने कभी कभार झगड़ा होता है तेरे को पता है, मैं जैसे अगर सुबह झगड़ा होगा मैं शाम को तेरे से आगे होकर बोल जाता हूँ मैं दिमाग में ले, और ये पता चल ऐसे मुझे लग रही है। तो भैया अगर यही चीज है और बाकी अगर और भी आप लोगों को ना कमेंट करके बताना, कि अभी तो हमने नॉर्मली बातें की पर अगर कोई भाई है ना मतलब जो हो ऐसे रिलेशन में मतलब अपने बारे में मतलब प्यार मोहब्बत के और अगर दिमाग में आ रही है तो चलते हैं वहां तक ही सही होते हैं जहां तक ये नॉर्मल बातें हो घर की या फिर अपनी लाइफ की कोई, लेकिन इस बातों का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा जिंदगी में अगर लव मैच करोगे तो, कि तू कहां गई थी, तूने फोन क्यों नहीं उठाया, तेरे फोन किसका आ रहा था, ये जो मतलब जो शक करने वाली बातें होती है ये कभी भी मतलब पूरी नहीं होगी, लड़ाई ये तो जिंदगी भर चलेगी अगर तुम्हारा भैया ऐसा नहीं चाहिए तो डिस्कस कर लेना। मैं एक चीज बताऊं आपके बहुत सारों का घर टूटने वाले हैं अगर अभी तुम लोगों ने शादी नहीं की और लव मैरिज की सोच रहे हो ना, वाइफ बनने वाली या पति बनने वाला है शादी से पहले अगर ऐसे कर रहा हूँ किसका फोन आ रहा था तेरे काम भी चल रही थी, तो भैया फिर तुम्हारी तो ना अगर इनका मुझे कोई आके लाइव वीडियो दिखा दिया आंखों से दिखा दिया फिर बोल के दिखा दिया तो मैं यकीन नहीं करूंगी, वो तो अगर मुझे मानना होगा या मेरे पास कुछ सबूत होगा तो ही उनसे पूछ के यकीन करूंगी, और इनका भी ऐसा ही है। अरे अभी मैं पता है मतलब है ही नहीं हमारा, जैसे मेरे कभी किया ही नहीं हमने, घर से फोन आ रहा हो या किसी दोस्त का फोन आ रहा हो इसका फोन आ जाए कभी मेरे से नहीं पूछती कि कहां पे बिजी चल रहे, और अगर इसके भी किसी का फोन आ रहा हो तो मैं कभी भी आदमी किससे ये नहीं पूछा कि काम बिजी चल रही थी क्या है कि हाँ अगर कि किसका फोन आया था तो ये बोल दी वो आ है या भैया तो बिल्कुल ही नहीं पूछता, और उल्टा मैं कभी कभी पूछ लेती हूँ, और बल्कि जैसे मैं इनकी फैमिली में भी कॉल करती हूँ बातें करती हूँ एक एक घंटे तक आधे आधे घंटे तक मेरी फैमिली में भी करती हूँ मेरे फ्रेंडों से भी करती हूँ, तो मुझे बहुत लंबा टाइम लग जाता है ऐसा हमारे नहीं पूछते ऐसा हमारे कुछ दिमाग में आता नहीं, और आप लड़के हाँ और पता है ना हमारा मोबाइल मेरा मोबाइल और इसका मोबाइल हम ऐसे पड़े रहते हैं दोनों के मोबाइल और दोनों में किसी का मोबाइल भी नहीं करते हैं और जरूरत भी नहीं है और चलाना होता है तो चला भी लेते हैं, पर ये नहीं है कि ये खोल के देख रहे भैया ट्रस्ट एक चीज मानता हूँ कि लव मैरिज में ट्रस्ट बहुत बड़ी बात है, और ना यूँ नहीं कह रहा कि यार तुम लोग ट्रस्ट करो या पर भैया अपने को पता होता है कि जैसे ये मेरे ऊपर करती है इसको मेरे बारे में अच्छे से जानती है मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ, तो फिर बहुत सारी चीजें तो ठीक है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आगे आगे इसका पार्ट सी और आपको कुछ क्वेश्चन पूछने कुछ जानना कमेंट करके बताना दूसरी वीडियो बनाएंगे, तो टाटा बाय बाय यहीं पे एंड करते हैं।